नमस्कार। रविवार के दिन कुछ ऐसे आंकड़े जो दिखा रहे हैं कि कोरोना वायरस दुनिया भर में फैलता चला जा रहा है। 1 करोड़ कोरोना वायरस केसेस अब दुनिया भर में देखे जा चुके हैं, 1 करोड़ केसेस। और जो जहां मृत्यु की बात है तो अगर आप पूरी दुनिया को देखें तो 5 लाख मृत्यु हो गई है अभी तक कोरोना वायरस की वजह से। तो जितने लोगों को कोरोना वायरस हुआ है वो पूरे अगर आप आंकड़े देखें तो 5% करीब लोगों की मृत्यु हुई है दुनिया भर में। कल सोमवार के दिन हम और इस पर ध्यान देंगे, कोरोना वायरस कैसे फैल रहा है खासतौर से भारत में। हमारी वीकली एनालिसिस होगी सोमवार को, पर फिलहाल दिखाते हैं आज की मुख्य सुर्खियां। जो तमिलनाडु में हमने कस्टोडियल डेथ देखा था, जो पुलिस के कस्टडी में जो 2 लोगों की मौत हुई थी, तो उसको अब CBI की तहकीकात की जाएगी। वो और जो बयान हमने आज प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों से देखे हैं, उन सबको लेके आज की मुख्य सुर्खियां ये रही। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1 करोड़ मामले हो गए हैं, साथ ही करीब 5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। 180 दिन से पूरी दुनिया इसकी गिरफ्त में है। इस वायरस के बारे में चीन ने पहली बार 31 दिसंबर को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इसकी जानकारी दी थी। बीते साल के अंत में चीन से पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इधर अमेरिका में जहां मृतकों की संख्या 1,27,000 के पार हो गई है, वहीं ब्राजील में हालात बेकाबू हैं। यहां 56,000 से ज्यादा मौतों के साथ संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 12,80,000 के पार चली गई है। अमेरिका अब भी पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का एपिसेंटर बना हुआ है। अमेरिका में 25 लाख से ज्यादा लोग अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। महामारी की शुरुआत बेशक चीन से हुई थी, लेकिन आज अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और ब्रिटेन दुनिया के 5 सबसे संक्रमित देश हैं। इन देशों में संक्रमण के 53% यानी 53,28,449 मामले हैं। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 19,906 नए मामले सामने आए और 410 मरीजों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 5,28,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 16,095 की मौत हो चुकी है, जबकि 3 लाख से ज्यादा ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के अब 2,03,051 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,09,772 लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो महाराष्ट्र में 5,318 नए मामले सामने आए हैं, जबकि दिल्ली में एक दिन में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,390 है। इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। देश में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 58.24% हो गया है। रविवार को एक इंटरव्यू के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बयान ने राजधानी में डर पैदा किया है और 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले पहुंचने की बात कही गई, लेकिन दिल्ली में अब ऐसा नहीं होगा। राजधानी में ना इतने मामले आएंगे और ना ही कम्युनिटी स्प्रेड हुआ है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, हम कोरोना से निपटने के लिए तैयार हैं। कोरोना के टेस्ट 4 गुना बढ़ा दिए गए हैं। केंद्र ने ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ व्यापक अभियान के लिए हमने कोऑर्डिनेशन की बैठक की, जो कि दिल्ली सरकार, MCD और भारत सरकार के बीच समन्वय के लिए जरूरी थी। हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद में शॉपिंग मॉल्स एक बार फिर से खोलने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने 1 जुलाई से शॉपिंग मॉल्स को फिर से खोलने की अनुमति दी है। हालांकि मॉल्स को इस दौरान सख्त मानक संचालन प्रक्रियाओं या SOP का पालन करना होगा। बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी के चलते 3 महीने पहले लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चलते इन शॉपिंग मॉल्स को बंद किया गया था। हालांकि यहां धार्मिक स्थलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि राज्य से लॉकडाउन हटाने की फिलहाल उनकी सरकार की कोई योजना नहीं है। उद्धव के मुताबिक महाराष्ट्र में लॉकडाउन 30 जून के बाद भी लागू रहेगा, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। उद्धव बोले कि शहर खोलने से लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिससे संक्रमण के बढ़ने के आसार हैं और इसीलिए राज्य सरकार की तरफ से टेस्टिंग को भी बढ़ाया जा रहा है। आपको बता दें कि देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है।
और यहाँ करीब 1,60,000 लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। उद्धव ने अनुरोध करते हुए कहा कि जो लोग कोरोना से ठीक होकर घर गए हैं, उनसे अपील है कि वह अपने प्लाज्मा का दान करें ताकि कई लोगों को बचाया जा सके। पूरे देश में महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है। इसके अलावा दूसरा जो चिंताजनक पहलू है वो ये कि पूरे देश में महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा पुलिस वाले भी कोरोना की चपेट में हैं। बीते 48 घंटे में राज्य में 150 पुलिसकर्मी कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं, जबकि एक कर्मचारी को इसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन नए मामलों के साथ महाराष्ट्र पुलिस में अब कोरोना के मरीजों की संख्या 4,666 हो गई है, जबकि अब तक 57 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना वायरस की मार झेल रहे बीएसएफ में बीते 24 घंटों में 33 नए संक्रमित जवान पाए गए हैं। बीएसएफ में अब तक कोरोना वायरस के 944 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं दूसरी तरफ 637 लोग रिकवर भी हुए हैं। साथ ही बीएसएफ ने कोरोना से हुई 5 मौतों की पुष्टि भी की है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए असम सरकार ने गुवाहाटी में 28 जून की आधी रात से 14 दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। इसको लेकर रविवार को बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली। लोग जरूरी सामान खरीदने के लिए घरों से बाहर निकले। इससे पहले असम के मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने जानकारी दी थी कि इस दौरान केवल दवाई की दुकानें खुली रहेंगी और बाकी सब बंद होगा। बता दें कि 6,800 से अधिक कोरोना मरीजों के साथ असम पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। वहीं प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना महामारी की वजह से देश दुनिया के लोगों की दिनचर्या में बदलाव आया है। कुछ पाबंदियों के साथ समय बीत रहा है। कोरोना काल में नियमों को दरकिनार कर बेटे की शादी करना एक पिता को भारी पड़ गया। उस पर 6,25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल राजस्थान के भिलवाड़ा में 13 जून को एक शख्स के बेटे की शादी थी। अपने बेटे की शादी में पिता ने 50 से ज्यादा लोगों को न्योता भिजवाया। 50 से ज्यादा लोग इस शादी में शरीक भी हुए, जिसके बाद जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने पर दूल्हे के पिता पर 6,26,600 रुपए का जुर्माना लगा दिया। बता दें कि शादी के आयोजन में अधिक से अधिक 50 लोगों को ही बुलाने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस गाइडलाइन का शख्स ने उल्लंघन कर दिया। इतना ही नहीं, 13 जून को हुई शादी में शामिल होने वाले 15 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, और तो और एक शख्स की वायरस की वजह से मौत भी हो गई है। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दोस्ती निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर चुनौती देना भी जानता है। पीएम मोदी ने कहा कि लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा हर प्रयास इसी दिशा में होना चाहिए, जिससे सीमाओं की रक्षा के लिए देश की ताकत बढ़े, देश अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बने, यही हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। पीएम ने कहा कि लद्दाख में हमारे जो जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है और श्रद्धांजलि दे रहा है। इन साथियों के परिवारों की तरह ही हर भारतीय इन्हें खोने का दर्द अनुभव कर रहा है। अब पीएम मोदी की रेडियो कार्यक्रम मन की बात को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्र रक्षा और सुरक्षा की बात कब होगी। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। इससे पहले भी राहुल ने ट्वीट कर चीन मुद्दे पर भी पीएम मोदी से जवाब मांगा था और कहा था कि देश के लोग प्रधानमंत्री से सच सुनना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल और डीजल कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार को घेरते हुए ट्वीट किया था कि मोदी सरकार ने कोरोना महामारी और पेट्रोल डीजल कीमतें अनलॉक कर दी है। एलएसी पर जारी तनाव के बीच देश में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के द्वारा सरकार पर किए जा रहे हमलों का जवाब दिया। अमित शाह ने कहा कि वो चर्चा से नहीं डरते, संसद होगी और 1962 से लेकर आज तक की परिस्थिति पर चर्चा करते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि देश के जवान सीमा पर संघर्ष कर रहे हैं और सरकार ने भी सख्त कदम उठाए हैं। ऐसे में राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे चीन और पाकिस्तान को खुशी हो। बता दें कि राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी का नाम बदलकर सरेंडर मोदी रखा था। इसी पर पूछे सवाल के जवाब में अमित शाह ने संसद में दो दो हाथ करने की बात कही है। पार्लियामेंट होनी है
चर्चा करनी है तो आइए करेंगे। 62 से लेकर आज तक दो दो हाथ हो जाए, कोई नहीं डरता चर्चा से। मगर जब देश के जवान संघर्ष कर रहे हैं, सरकार एक स्टैंड लेकर ठोस कदम उठा रही है, उस वक्त पाकिस्तान और चीन को खुशी हो, इस प्रकार के स्टेटमेंट देना किसी ने नहीं किया। तमिलनाडु के तूतीकोरिन में पुलिस हिरासत में मारे गए पिता पुत्र के मामले की जांच अब सीबीआई की तरफ से की जाएगी। राज्य के मुख्यमंत्री के पलानीसामी ने पुलिस कस्टडी में मौत की जांच सीबीआई को देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय से मंजूरी मिलने के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस घटना के बाद से न केवल तमिलनाडु बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी आक्रोश है। आम लोगों के अलावा राहुल गांधी और कमल हासन भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं।